के अंदर ऐसे बंद करो, इसमें तो जीता मार दो, ठीक है। तीन तरीके हैं कीड़ों से छुटकारा पाने का, कीड़े हो गए, इससे आपके बच्चे यानी कि महफूज रहेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, ठीक है। आपको बोल लेनी है, ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बर्ड्स लवर दिल्ली में। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि अपने केज या अपने बर्ड्स के घर को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्योंकि पक्षी हैं, कबूतर हैं, एंड वे कोई पक्षी मान लो तो बीट करता है, जब बीट इकट्ठी होने लगती हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो है पंखे से कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। आप देखते भी होंगे काले काले से लंबे लंबे से झिंगार टाइप के होते छोटे छोटे से, ठीक है। आज उसके लिए ही मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और आप ये तरीका यूज़ करोगे तो आपके भी केज कीड़ों मकोड़ों से जो कौतर के मक्खी होती है शरीर को, इससे भी राहत मिलेगी, ठीक है। हम चलो वीडियो पर आते हैं, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स जरूर अपनी राय से भरें और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो हम अपनी वीडियो पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा यही था कि अपने कबूतरों को या अपने दरबे को, आपके इसको पिंजरे को महफूज कैसे करें, यानी कि कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो आप क्या करें, आपके पास कपूर की गोली आपने देखी होंगी, जो कपड़ों वगैरह में डालते हैं, केज अलवारी वगैरह में रखते हैं, वाइट वाली बॉल्स होती है वो, मैं आपको दिखाता हूँ वो बॉल्स। उसको आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये रहेगा, आप अपने केज को साफ़ करेंगे, पूरा सफ़ा, ठीक है। जब तक वो पूरा क्लीन हो जाए, यानी पूरा सफ़ा करना एकदम, जो भी इसकी यानी पोटी वगैरह है सबको सफ़ा करके आपको बोल लेनी है, ठीक है। वाइट वाली बॉल्स होती है, मेरे पास है ये, ठीक है। मैं पूरा डब्बा लेके आता हूँ, जब पिलाता हूँ, फिलहाल अभी मैंने डाल दी है अपने केज में, अभी चल रहा है, जैसे भी उसकी बॉल पड़ी है, भी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें भी काफ़ी बॉल हैं। ये बॉल्स आपको लेकर आनी है, ठीक है। कपूर की गोली बोल दो, आपके नियर बाय कोई भी शॉप पर मिल जाएगा ये, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसमें से आपको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ बॉल्स कैसी होती है, आप भाइयों ने देखा हुआ। ओह ओह ओह, इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है बोलिए, दिख रही वाइट, ये बॉल्स होती हैं, इसमें यानी कि महक के लिए गिर जाती है। आप यूज़ भी करते होंगे घर में, बहुत से भाई यूज़ करते होंगे, बहुत से नहीं भी करते होंगे, बहुत से को पता भी नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। जिन्हें पता है उनके लिए लाइक है मेरी तरफ से। आपको कुछ नहीं करना, इसके दो तरीके हैं रखने के, अपने यानी कि पिंजरे में या जाल में या फ्रीज में, ठीक है। जैसे आप रखना चाहो, कपड़ा लो एक, ठीक है, कपड़ा लेके इसको कपड़े में डाला और ऊपर से बंद कर दिया, ऐसे कर दिया। ये मैंने चार लिए हैं, आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं, जितने आपको आपकी इच्छा करे, 10 भी रख लो, 15 भी रख लो, ठीक है। जैसे कर रख के तैयार, ऐसे रख के इसके अंदर ऐसे बंद करो, इसमें तो जीठा मार दो, ठीक है। जीठा मारने के बाद लग जाए जीठा, ठीक है, लग जा जीठा, ठीक है, लग गया जीठा। आप अपने केज में कहीं भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ रख दिया, बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं यहाँ रख दिया, इससे भी सही रहेगा तरीका। और फिलहाल मैंने ना वैसे भी ऑलरेडी गिर रखी हैं बॉल्स, आपको दिखाता हूँ, देखो गिर रखे पीछे, दिख रही है कोने कोने में डाल रखी है, इधर भी डाल रखी है, इधर दिख रही होगी आपको, मैंने सफ़ा करके ये डाल रखी है, अभी छोटी हो गई है, ये डाल रखी है, ठीक है। इससे आपके बच्चे यानी कि महफूज रहेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि जब केज में आपके कीड़े हो जाते हैं ना,
तो उससे क्या होता है, बच्चों पे ख़तरा होता है, जो भी आपके कबूतरों के बच्चे निकलते हैं उन पे ख़तरा होता है। ठीक है, ख़तरा कैसे होता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, हमारे पास दो बच्चे थे, हमारे कबूतर ने निकाले थे उन लोगों से, उसका एक बच्चे के साथ ये हुआ, क्योंकि एक तो सही था, दूसरा भी दोनों बराबर के था हाइट में, बताओ किसी साथ का बच्चा था वो, देखो वो चुक रहा, दोबारा में डाला है और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा इस वीडियो को, तो दोबारा जो बच्चा है इस बच्चे की वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करा था उससे पैरों के दाने से, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर पड़ी है। ठीक है, और तो क्या हुआ उस बच्चे के साथ, सेम उस बच्चे का सीन ये हुआ कि मैंने इनको यानी दाना पानी खिला के छोड़ दिया था अंदर, थोड़ी बहुत मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैंने केस सवाने के बाद था, मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने नेक्स्ट डे जैसे भी आके देखा उसको, तो उसके अंदर पता है छोटे छोटे कीड़े घुसे हुए थे, लंबे लंबे, अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो कीड़े, क्योंकि मैंने ना उसमें दवाई गई ना गोली गई थी, मैं थोड़ा फ्री नहीं था, क्योंकि इनसे ये भी यानी इनको भी मेरे को अच्छा लगता रखना, और भी मेरे बहुत सारे काम हैं और भी देखना होता है। ठीक है, तो मेरे पास तीन तरीके हैं कीड़ों से छुटकारा पाने का, कीड़े हो गए, मकड़ी हो गए, वो लंबे लंबे से बोलते हैं क्या कहते हैं उनको, भी नार टाइप के कीड़े, उनसे भी, या तो आप इसका यूज़ करें, इस स्प्रे का यूज़ करें, आपको पास ही पेट शॉप पर मिल जाएगा, ये जो होता है ये भी कीटनाशक मार देता है, यानी कि ये भी जो है कीड़ मकोड़ों को भगा देता है। गाइस आपने देखा कैसे कैसे मैं रखता हूँ इनको, शौक है तो इनकी केयर भी करनी होगी, केयर नहीं करेंगे तो ये परेशान रहेंगे, फिर उसमें चीज़ अच्छा नहीं लगेगा हमको, क्योंकि हमें अगर पक्षी रख रहे हो इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसी चीज़ें देख के आप रख, अगर परेशान रहे तो पक्षी पालना कोई वो नहीं है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा बीमारों के, तो फिर आपको बददुआ भी दे सकते हैं, बहुत से बंदे बोलते हैं, बट जो है समय के साथ चलता है सीन। ठीक है, आप यूज़ करें, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये नाम देख लो, नाम है कपूर की गोली। ठीक है, जो कपड़ों में गिरते हैं, कबाड़ में गिरते हैं, कबाड़ जो होती है ना, जैसे अलवारी वगैरह हो गई, उनकी कबाड़ होती है, उनके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, और एक ये भी, ये ना मिले तो कोई नहीं, ये लिया है स्प्रे, इसका नाम मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है वीडियो में पूरा रहा, ये स्प्रे लिया है, नहीं ये स्प्रे लिया है, ये काफ़ी देर से चल रहा है मेरे पास, अभी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया इसने, क्योंकि मेरे पास एक पेट भी है, यानी कि मेरे पास एक डॉगी भी है वाइट कलर का है, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊँगा, मैं उसके लिए लेकर आया था फिलहाल ये, फिर मैंने सर्च मारा काफ़ी, क्योंकि मैं सर्च करके ही आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैं सर्च मारा, फिर मैंने यूज़ करा, क्योंकि इस पर देखो ये डॉग वगैरह पक्षी वगैरह सब बने पड़े, देखो ये दिख रहा है बॉर्डर पे, दिख रहा है ये सब, दिख रहा है मुर्गी है, बत्तख हैं, हैं छोटे बड़े सब जानवरों के यूज़ होती है, सब जानवरों के लिए ऑल इन वन है, ये जख्म हो, कीड़े पड़ रहे हों, इसमें भी यूज़ होती है। ठीक है, तो गाइस मेरा कहना ये था कि जब भी आप अपने कबूतर के दरवे में या केज में ये स्प्रे यूज़ करें, तो कृपया करके अपने पक्षियों को बाहर निकाल दें, फिर स्प्रे करें उनको, टोटल यानी कि एक घंटे बाद ही अपने कबूतर को इसके अंदर डालें। ठीक है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा इसके अंदर ही मर जाएगा, ये कबूतर की आदत होती है चोंच मारने की, वो जगह जगह यानी कि चोंच मारते हैं, कभी चोंच मारते समय दवाई का हल्का सा ही पोषण मुंह में चला गया, उससे यानी कुछ नुकसान भी हो सकता है, वैसे होएगा तो नहीं, फ़िलहाल सेफ्टी बरत के इसको यूज़ करा जाए। ठीक है, और अपने पक्षियों का अच्छे से ध्यान रखें, उन्हें टाइम टू टाइम दाना पानी दें और उनका अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, मेरा यही कहना था, तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अब नई टॉपिक के साथ, ओके बाय बाय।